सत्ताधारी भाजपा की राज्यसभा में ताकत अब कम हो गई है। 4 मनोनीत सदस्यों का 13 जुलाई को कार्यकाल पूरा हो गया। राज्यसभा में अब बीजेपी के सदस्यों की संख्या 86 रह गई है। 4 राज्यसभा सदस्य महेश जेठमलानी, सोनल मानसिंह, राकेश सिन्हा एवं राम शकल को बीजेपी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुट निरपेक्ष सदस्य के रूप में चुना था। वहीं बाद में पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ औपचारिक रूप से गठबंधन किया था। चारों के रिटायरमेंट के बाद एनडीए के सदस्यों की संख्या 101 रह गई। राज्यसभा में वर्तमान में 225 सदस्य हैं। राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन में 87 सदस्य हैं। इनमें से कांग्रेस के 26, तृणमूल कांग्रेस के 13 और आम आदमी पार्टी तथा डीएमके के 10 सदस्य उच्च सदन में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार बिल पारित करने के लिए अपने पूर्व सहयोगी AIADMK और जगन मोहन रेड्डी की YSR कांग्रेस पार्टी सहित गैर NDA दलों पर निर्भर है। AIADMK के पास 4 और YSRCP के पास 11 सदस्य हैं। दोनों पार्टियों ने अतीत में सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थन किया है।